हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस टैंकर पलटा, रिसाव होने से मची अफरा तफरी। भारत से नेपाल के लिए जा रहे बैटरी में डाले जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा टैंकर सोमवार को रात्रि 12 बजे रक्सौल में मनोकामना मंदिर के पास ICP बाईपास रोड पे पलट गया और गैस का रिसाव होने लगा, जिसमें आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसका उपयोग बैटरी में डालने में आता है, लेकिन यह उपजाऊ भूमि और मानव बस्ती के लिए खतरनाक है। जहां पर यह गैस टैंकर पलटा, वहां के आसपास में भी मानव बस्ती है, जिनके सांस के माध्यम से मानव शरीर में जाने से हानि पहुंच सकता है, जिसको लेकर आसपास के लोगों में भागम भाग और अफरा तफरी मची रही। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ICP रक्सौल और फायर ब्रिगेड कार्यालय में फायर फाइटर की टीम पहुंचकर रिसाव को काफी मशक्कत के बाद बंद करने में सफल हुए। इसे सामान्य होने में अभी 2 से 3 घंटा तक लग सकता है। हालांकि जिस खेत में गैस टैंकर पलटा है, वहां के आसपास की भूमि का फसल इस रिसाव से जल रहा है और भूमि भी बंजर होने की संभावना है। इस बाबत SDM आरती ने बताया कि ICP और फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर टीम सहयोग से बैटरी का रिसाव बंद कर दिया गया है। 2-3 घंटे अभी सामान्य स्थिति होने में लगेगा। एहतियाती कदम रखते हुए तत्काल उस सड़क से आवागमन बंद कर दिया गया है। अभी बाईपास रोड में उपस्थित है और यहाँ गैस टैंकर पलटा हुआ है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। आइए आपको पूरा डिटेल खबर दिखाते हैं। रक्सौल से अनुमंडल ब्यूरो राजेश कुमार वर्मा, R9 भारत। प्रखंड सभागार में नवनिर्वाचित मुखिया के साथ वीडियो ने किया बैठक। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड सभागार में नवनिर्वाचित मुखिया के साथ वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने बैठक किया। बता दें कि वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने सभी नवनिर्वाचित मुखिया को सरकार के गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दिया तथा पंचायत की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कि अभी ओमिक्रॉन के मामले जो बढ़ रहे हैं, इससे संबंधित सभी को निर्देश ये दिया गया है कि मामला को गंभीरता को देखते हुए सभी अपने अपने क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाएं, सभी लोग को जागरूक करें, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी मेंटेन करें, और जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ या कोई आयोजन ऐसा हो रहा हो तो उस संबंध में जानकारी दें कि 50 से ज़्यादा का कोई भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। प्लस योजनाओं से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं कि उन लोगों को बताया गया कि कौन सा योजना किस तरह से करना है, इस संबंध में योजना के संबंध में सारी जानकारी उन लोगों को दी गई। अतुल भारती, सुल्तानगंज की।